ये बैस समाज के रामपुर के क्रीम गढ़वाल में लोग जो थे उन सबकी एक बैठक मेरे आवास पे हुई है। और इस बैठक में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में बैस समाज की भूमिका जो हमेशा से अग्रणी रही है, आगे भी अग्रणी रहे, इसके लिए बैस समाज एकजुट रहे, मजबूत रहे और आर्थिक स्थिति से भी हम सब इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहें और बैस समाज भी आगे बढ़ता रहे। राजनीतिक मामलों में बैस समाज कैसे मजबूत रहे, तो एकजुट होकर, संगठित होकर और मजबूत कोई मुखिया बनाकर बैस समाज का उसे हम राजनीतिक पटल पे भी आगे बढ़ाएं। क्योंकि बैस समाज के लोगों पे ये आरोप हमेशा लगता है कि बैस समाज राजनीति में चुनाव के दिन बहुत कम मतदान करता है, तो सबने संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में पूरी तादाद से 100% मतदान करके और समाज को मोटिवेट करके बैस समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान कराएंगे। तो इस मौके पर ये शहर के जो गणमान्य लोग इकट्ठे हुए, तो मेरी तरफ से एक प्रस्ताव गया कि शहर के किसी अच्छे व्यक्ति को एक बैस सभा का अध्यक्ष बनाए, तो इसके लिए मैंने श्री पीयूष जिंदल जी का नाम रखा और उस सभा में राजकुमार अग्रवाल सीए जो सभा के अध्यक्ष थे, आज की सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने सदस्यों के समर्थन पे मेरे प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने समर्थन किया और सभा के अध्यक्ष ने पीयूष कुमार जिंदल को अध्यक्ष घोषित किया है। तो बैस सभा का नया अध्यक्ष इस बैठक में बना है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है समाज को कि हम सब मिलके में सदस्यों की मदद से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे शहर विधानसभा में, तो खासकर मेरा नाम लेके गया कि भारत भूषण गुप्ता जी को आगे देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को शहर से जिताना चाहते हैं, अत्यधिक मतदान करेंगे, धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, बैस समाज आगे भी बढ़ चढ़ के काम करेगा, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा।